नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे स्टेप वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाला हूँ। किस तरीके से इस कुर्ती की कटिंग की जाती है, कैसे स्टेप अटैच किए जाते हैं और कैसे हम ये नेकलाइन तैयार करते हैं और ये वाली पट्टी लगाते हुए पूरी फिनिशिंग के साथ में एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊंगा। और कैसे फिर हम यहाँ पे प्लेटें डालते हैं, ये डिजाइनर कुर्ती है दोस्तों, यहाँ पे हमने बॉक्स प्लेट डालते हुए रेडी की हुई है। बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है और फ्रंट और बैक का हमारा यहाँ पे सेम डिजाइन रहेगा। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और कैसे स्टिचिंग की जाती है। दोस्तों, जो आपने डिजाइन देखा है उसे बनाने के लिए ये हमने अस्तर लिया हुआ है और ये हमारे पास मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाप। तो यहाँ पे नाप नोट किया हुआ है हमने। जो लेंथ रखेंगे हम यहाँ पे 34 तैयार रखेंगे। जो हमारा छाती का नाप होगा वो 37 होगा। तो इसमें कोई लूजिंग नहीं देनी है क्योंकि ये स्टेप वाला है। स्टेप वाले पीस में जितना हमारा प्रॉपर नाप होता है उतना ही हमें यहाँ पे रखना होता है, कोई लूजिंग वगैरह नहीं दी जाती। तो 37 का हाफ हिस्सा आएगा हमारा 18 एंड हाफ। वेस्ट होगी हमारी 31, 3 इंच प्लस करेंगे 34 हो जाएगी, हाफ हिस्सा आएगा हमारा यहाँ पे 17। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टेप वाला पीस कटिंग करेंगे और यहाँ पे नीचे की साइड प्लेटें डालते हुए इसको रेडी करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले कटिंग करते हैं हम अस्तर में से। तो ऊपर की जो दोस्तों हमने चोली कटिंग कर ली है उसके लिए हमने यहाँ पे अस्तर ले लिया है। ये हमने डबल फोल्ड किया हुआ है इस तरीके से। इसके बाद इसको फ्रंट बैक इकट्ठी कटिंग करनी है तो ऐसे फोल्ड कर लेंगे और जितनी हमारी लेंथ होती है उससे हमें 1 इंच यहाँ पे ज्यादा लेंथ चाहिए इसकी अस्तर की। सबसे पहले हम नीचे की साइड एक निशान लगाएंगे ऐसे। लेंथ है हमारी यहाँ पे 14, तो हम 15 पे निशान लगाएंगे। स्टेप वाले पीस का जो आर्मोल रखा जाता है 6 इंच रखा जाता है, आपने ये ध्यान देना है। 6 इंच से ज्यादा आपने आर्मोल यहाँ पे नहीं रखना है। बाद में जब हम कटिंग करेंगे तो ये कैसे कटिंग करते हैं आपने उस टाइम जान लेना है एक एक चीज को। तो 6 इंच पे हमने आर्मोल का निशान लगाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस निशान को इस तरीके से बढ़ा लेते हैं, ऊपर की साइड भी यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हमारा जो यहाँ पे नाप आएगा, जैसे हमने बताया था कि पूरा तैयार होता है ना, आपने लूज रखना है और ना ही टाइट रखना है। तो यहाँ से है 18.5, तो हम 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम कमर पे निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 17 इंच, तो हम यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान 1 इंच का एक्स्ट्रा लगाएंगे प्लेट डालने के लिए, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे प्लेट भी डालेंगे। अच्छी फिटिंग के लिए प्लेट डालनी यहाँ पे जरूरी होती है। आगे की साइड इस तरीके से एक्स्ट्रा निशान लगा देंगे। तो ये पार्ट हमारा नीचे का हो गया। अब इसमें हमें शेप डालनी है, हमें बनाने हैं स्टेप। तो स्टेप बनाने के लिए यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो ब्रॉड लेंथ रखनी है वो तकरीबन हम यहाँ पे छोटे स्टेप बनाएंगे तो 4 इंच रखेंगे ब्रॉड लेंथ में और 1 इंच का यहाँ पे हम स्टेप डाल देंगे। 1 का 1.5 का 1.75 का जितना भी आप डालना चाहो उतना यहाँ पे स्टेप डाल सकते हो। जो ब्रॉड लेंथ रखी जाती है, अगर हमारा हल्का साइज होगा तो हम यहाँ पे 3.5 इंच तक ले लेंगे। जैसे ये 37 साइज है तो हम यहाँ पे 4 इंच तक ले लेंगे और अगर बड़ा साइज है तो हम 4.5 इंच तक भी ले लेते हैं ब्रॉड लेंथ में। तो इस निशान को हम यहाँ पे ऊपर सबसे पहले ऐसे लगा देंगे। इस तरीके से लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे डीप लेंथ देखनी है नेक लाइन की। नेक लाइन हमारी कहीं यहाँ पे डीप तो नहीं जाती, और डीप जाती है तो उसको छोटा कैसे करना है और छोटा है तो फिर बड़ा कैसे करना है, ये भी हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो इधर से नापेंगे, हमें 7.5 इंच यहाँ पे नेक चाहिए, 7.5, तो 7.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहां से हम सेप डालेंगे इस तरीके की। ये हमारी यहाँ पे सेव आएगी और फ्रंट बैक की सेम सेप रहेगी, इसमें आपने कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं करनी है। इसके बाद प्लेट का निशान लगा देना है, 4 इंच पे लगा देंगे यहाँ पे और प्लेट की जो लेंथ रखनी है यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे 4.5 इंच तक रख लेंगे। तो ये हमारा सभी निशान कंप्लीट हो चुके हैं।
स्टेप हमारा यहाँ पे आएगा, थोड़ा इधर लगाना चाहे या इधर लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से ही कटिंग करेंगे। आगे की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन पे कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करने के बाद यहां से हमें चेक करना है हमें स्टेप कितने इंच के लगाने हैं। तो ये पॉइंट होता है हमें स्टेप कितने इंच के यहाँ पे लगाने हैं। तो तकरीबन 10.5 इंच के हमारे यहाँ पे स्टेप तैयार आएंगे। ये देखिए 10.5 इंच हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा फिक्स। ये 10.5 इंच के हमें तैयार स्टेप लगाने हैं, ना इससे कम लगाने हैं ना ज्यादा लगाने हैं। तो हमारा आर्म होल भी बिल्कुल ठीक आ जाएगा और फिटिंग भी प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। जितना हम यहाँ पे निशान लगाते हैं ये वाला इस तरीके से देखिए, यहाँ पे इस निशान से ऊपर वाले निशान से हमने यहाँ पे इस निशान पे यहाँ पे ध्यान रखना है और इतने ही हमारे यहाँ पे स्टेप लगेंगे। इससे 0.2 पॉइंट आप कम कर सकते हो, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करने हैं। 10.5 इंच के परफेक्ट आएंगे यहाँ पे स्टेप। चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पे 1 से 1.25 इंच की। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये 2 पीस कटिंग कर लिए हैं फ्रंट और बैक के, तो मेन फैब्रिक भी हम रख के कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने ये बिछा दिया है, मेन फैब्रिक नीचे की साइड है, ऊपर हमने अस्तर वाला पीस बिछाया है। अब इनको बराबर बराबर यहाँ पे हम कटिंग कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये पीस कटिंग कर लिए हैं। अब हमें नीचे का भाग कटिंग करना है। तो ये हमारा फ्रंट बैक, तो यहाँ पे ऊपर की बॉडी का कटिंग हो चुका है, नीचे का भाग कटिंग करेंगे। जब हम नीचे का भाग कटिंग करते हैं तो कपड़े को कुछ इस तरीके से बिछाते हैं, ऊपर की साइड हमारी यहाँ पे चोली आ जाएगी और फ्रंट बैक के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से कपड़ा बिछा लेना है डबल करके। यहाँ पे बंद हिस्सा रहेगा, इसको हम ऐसे सेट करेंगे। नीचे का भाग हमारा बैक साइड का होगा, ऊपर का होगा फ्रंट का। दोनों इस साइड से मिलाते हैं ऐसे, और यहाँ पे ये इस तरीके से चोली वाला पार्ट ऐसे ऊपर चढ़ा देते हैं तकरीबन 1 इंच, तभी हमारी यहाँ पे लेंथ प्रॉपर पता लगेगी। अब जैसे हमें जो स्टेप बनाने हैं वो 10.5 के, तो 1.25 पे हम यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ निकाल पाएंगे। लेंथ है हमारी 34 तैयार। नीचे की साइड 1 इंच का फोल्ड के लिए रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे सीधा निशान लगा देंगे इस तरीके से। इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा पीस कटिंग हो चुका है। नीचे का अस्तर भी सेम ऐसे ही कटिंग करते हैं। अब आपने एक ध्यान दे रहा है यहाँ पे, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है तो हम इसका घेर यहाँ पे ज्यादा बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है कपड़ा, तो हम जोड़ लगा के एक्स्ट्रा घेर तैयार करेंगे। तो एक पीस हम यहाँ पे और कटिंग कर लेते हैं। अब इन पीसों को हम तीनों को इकट्ठे ज्वाइंट कर लेंगे और फिर राउंड शेप में पूरे में जोड़ देंगे प्लेटें डालते हुए। तो सबसे पहले तो हमें चोली तैयार करनी है। इसका अस्तर सेम कटिंग होगा, जैसे हमने ये कटिंग किए हैं ऐसे ही हम अस्तर कटिंग कर लेंगे। तो पहले तो हम चोली तैयार करेंगे स्टेप वाली, उसके बाद यहाँ पे ये घेर तैयार करेंगे, जोड़ लगा लेंगे तीनों पीसों में। जितना भी फिर घेर होगा हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार आ जाएगा। तो मशीन के ऊपर चलते हैं। स्टिचिंग में दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाते हुए अस्तर को ज्वाइंट करेंगे, तरीके से रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पे इस तरीके से अस्तर को ज्वाइंट करेंगे।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने नीचे की साइड प्लेट डाल ली है जो डट बोलते हैं, और एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई से चारों साइड से इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब जो ये सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ पे लगाएंगे हम कट, यहाँ पे एक पैर चौड़ाई वाला कट लगाएंगे, और यहाँ से हमें ओरे वाली पट्टी लगाते हुए ये रेडी करना है। ये कट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम इस साइड की अलग पट्टी लगाएंगे, उस साइड की अलग। अगर हम पूरी एक पट्टी घुमाते हैं तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये पट्टी लिए हमने ओरे वाली, इसकी चौड़ाई है तकरीबन यहाँ पे 1.5 इंच की, 1 एंड आपकी। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करते हुए ऐसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ऊपर की साइड यहाँ पे ओरे वाली पट्टी लगाते हुए कंप्लीट कर लिया है फ्रंट को यहाँ पे। तो सेम इसी तरीके से हम बैक साइड वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट का किया है ऐसे ही बैक साइड का कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दूसरा पार्ट भी यहाँ पे रेडी कर लिया है। दोनों पार्ट रेडी होने के बाद अब हम इसमें लगाते हैं स्टेप। तो जो बीच का हमारा गैप है, जितना भी आप कम ज्यादा रखना चाहते हो यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे तकरीबन पहले 8 था, लेकिन अब मैं 7.5 इंच का यहाँ पे गैप रखूंगा स्टेप लगाने के लिए, क्योंकि 7.5 में बिल्कुल ओके आ जाएगा। और ये हमने 1 से 1.25 इंच के 2 स्टेप बनाए हुए हैं। इसकी जो लेंथ रखनी है हमने, जैसे मैंने बताया था 10 से 1.25 इंच, यहाँ पे हमने 10 इंच का निशान लगा लिया है दोनों में। तो ऐसे रखेंगे, इसमें सिंपल कुछ नहीं करना, एक साइड में ऐसे जो गैप है इसमें इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो हल्का सा एक इस तरीके से हल्का सा ऐसे क्रॉस में, यहाँ पे मैं ऐसे दिखा दूँ, एक सीधा स्टेप आता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे आपने हल्का सा इसको ऐसे कर लेना है इस तरीके से। तो उससे क्या होता है कि जो शोल्डर है वो ये पट्टी नीचे नहीं गिरेगी। और पहले हम इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे अच्छे से पक्का कर देंगे। तो ये देखिए, एक स्टेप हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम बैक साइड में करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ऐसे जा रहा है ये हल्का सा इस तरीके से सीधा, अगर देखेंगे तो फिर ये गिरेगा, तो इसलिए हल्का सा टेढ़ा करते हुए लगा लेना है। और यहाँ पे दूसरी साइड में भी सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे, और ऐसे ही इस साइड दूसरा स्टेप और इस साइड में। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे स्टेप अपने अटैच कर लिए हैं और डिजाइन ऊपर की बॉडी का हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पे लगाने हैं सिलाई साइड की।
तो साइड जोड़ते वक्त आपने ध्यान रखना है ऊपर की साइड हमने कोई भी यहाँ पे लूजिंग नहीं देनी है। स्टेप आपस में मिलाएं फ्रंट और बैक के, और उसके बाद आपने सेंटर पॉइंट का ध्यान रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो ऊपर से रखना है हमने यहाँ पे 37 के हिसाब से, तो 18.5 रखना है, तो 1.25 इंच पे हम इस साइड में निशान लगा लेते हैं और 1.25 इंच पे हम इस साइड में निशान लगा लेते हैं। और कमर जितनी भी है हमारी यहाँ पे 17 इंच कमर है, तो 8.5 पे हमारा इधर का निशान आएगा और 8.5 इंच पे हमारा इधर का निशान आएगा सेंटर पॉइंट से। बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और साइड यहाँ पे जोड़ देनी है बिल्कुल बराबर मिलाते हुए। जैसे मैंने इधर साइड जोड़ी है ऐसे ही हम दूसरी साइड भी जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड यहाँ पे ज्वाइंट कर ली है। इसके बाद हमें नीचे का घेर तैयार करना है, तो नीचे का घेर तैयार करने के लिए हमारे पास है यहाँ पे ये 3 पीस, क्योंकि 2 पीस लगते हैं लेकिन कपड़ा एक्स्ट्रा था तो मैंने एक और यहाँ पे कटिंग कर लिया है। तीनों को इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं और उसके बाद पूरा घेर तैयार करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 3 पीस इकट्ठे ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमारा यहाँ पे घेर जो है काफी लंबा हो जाएगा, तो अब हमें एक साइड में इसमें डालनी है प्लेट, और इसका जो घेर तैयार, जो कमर वाली साइड तैयार करनी है, ये करनी है हमें 34 इंच तैयार, 34 तैयार। तो इसमें हम यहाँ पे इस तरीके से प्लेट डालेंगे, ऐसे आपने यहाँ पे बॉक्स प्लेट डालनी है इस तरीके से। चौड़ाई का ध्यान रखें, आप कम ज्यादा कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन एक साइड से इसी तरीके से हमने बॉक्स प्लेट यहाँ पे डालते जाना है, ये ध्यान रखना है। और इसका ऊपर से जो साइज होना चाहिए हमारा 17 इंच होना चाहिए। तो हम हैवी प्लेट डालेंगे क्योंकि काफी कपड़ा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पूरे पीस में यहाँ पे प्लेटें डाल ली हैं दोनों साइड में, और साइड से यहाँ पे ज्वाइंट भी लगा दिया है। अब हम इस ये वाला पीस हमारा पूरा 17 तैयार है, जितना हमें कमर में चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों साइड में एक एक निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे सिलाई कहाँ पे आनी है। तो अब हमें यहाँ पे ये जो चोली है ये अटैच करनी है, तो आपने ध्यान रखना है चोली कैसे अटैच करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में इसको डाल लेंगे इस तरीके से, और जो ये निशान लगाया है ये हम साइड में ऐसे लेकर के चलेंगे इस तरीके से। अब फ्रंट बैग आप इसमें कोई भी रख सकते हो, क्योंकि फ्रंट बैग हमारी सेम है, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से मैच करेंगे ऐसे, और यहाँ पे अब हम स्टिच करेंगे। सिलाई मैच करने के बाद वही आपने 1/2 इंच की सिलाई लगानी है चौड़ाई वाली, और इस तरीके से यहाँ पे लगाते जानी है सिलाई। प्लेटो वाली जो सिलाई है उसी के ऊपर हमारी यहाँ पे ये सिलाई आती चली जाएगी। दूसरी साइड का आप चेक कर ले, यहाँ पे ये सिलाई भी हमारी इस निशान को मैच करनी चाहिए, इधर वाली ये वाली ऐसे। जहाँ से हमने सिलाई की शुरुआत की थी इस सिलाई से, इसी सिलाई पे हम सिलाई को पूरा करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये पूरा
जो कमर वाला पॉइंट है जोड़ दिया है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो जोड़ भी आएगा हमारा नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कपड़ा भी कुछ इस तरीके से है। और पूरी फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पे प्लेटों के साथ ये ज्वाइंट किया है। ऊपर कैसे कटिंग करते हैं ये भी मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की। अब हम नीचे से यहाँ पे बारीक फोल्ड कर लेते हैं, इस तरीके से बारीक फोल्ड कर लेंगे तो हमारी यहाँ पे ये ड्रेस तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों नीचे से फोल्ड करने के बाद फिर मैं आपको कटिंग टेबल पे दिखाता हूँ कितनी प्यारी सी हमने यहाँ पे ड्रेस तैयार की है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने नीचे से यहाँ पे फोल्ड कर लिया है इस तरीके से बारीक, और यहाँ पे पूरी फिनिशिंग मैं आपको दिखा दूँ कितनी प्यारी सी यहाँ पे हमारी पूरी कुर्ती की फिनिशिंग आई है। स्टेप वाली ये हमने कुर्ती तैयार की है, और यहाँ पे भी पूरी फिनिशिंग रहेगी एक एक पॉइंट पे, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमने कहीं पे कोई काम इसमें बाकी रखा है। पूरी कुर्ती हमने इस तरीके से यहाँ पे रेडी की है प्लेटें डालते हुए। ऊपर की चोली हमने, ऊपर की जो बॉडी है ये अलग बनाई है, नीचे का पार्ट अलग से ज्वाइंट किया है, और घेर भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे घेर कितना प्यारा सा है, यहाँ पे पूरा घेर है। और जो हमने जोड़ लगाए हैं वो प्लेटों के अंदर की साइड दिए हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये जोड़ जो आएंगे अंदर की साइड आएंगे जो कि नजर नहीं आएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे जोड़ भी जो लगाए हैं वो भी अंडरग्राउंड लगाए हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।